शौकीन लोगों के लिए यूईटी का एक अच्छा कदम। सालाना कुतुब मेले के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात की एंजॉयमेंट के लिए यूईटी एएसएमई की जानिब से स्काई लैंटर्न का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर फजल अहमद खालिद, डीएसए प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ और चीफ लाइब्रेरियन ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का मकसद तलबा को मेले के साथ साथ एक जगह पर इकट्ठा करना और हल्की मौसीकी के साथ लुत्फंदोज होने का मौका फराहम करना था। तकरीब का आगाज कौमी तराने से किया गया और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर फजल अहमद खालिद का कहना था कि ये खुशगवार तकरीब है, उन्हें ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तलबा तालिबात इंतहाई खुश हैं। उनका कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए, सिर्फ ये कि तालीमी मैदान में भी आगे जाएगी बल्कि उसके साथ साथ हम को करिकुलर एक्टिविटीज में और हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट के साथ एक बैलेंस्ड और वेल राउंडेड पर्सनैलिटीज के साथ एक अच्छा माहौल लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस के हवाले से सबको मुहैया कर सकेंगे। डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर आसिफ का कहना था कि कुतुब मेला एक कामयाब मेला रहा और इसके बाद ऐसी शाम ने इस कामयाबी को चार चांद लगा दी। हमारी रिवायत है जो पिछले कुछ बरसों से एस्टेब्लिश हुई है और आज मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे चीफ लाइब्रेरियन डॉक्टर एजाज को और इनकी टीम को कि एक कामयाब इख्तिताम इस बुक फेयर का। आज तकरीब में स्काई लैंटर्न के साथ साथ मौसीकी ने शुरका को खूब महसूस किया और माहौल को रंगीन बना दिया। स्काई लैंटर्न की खूबसूरत रंगारंग कंदीलों ने हवा में उड़ते हुए पूरे लाहौर का फिजाई नज़ारा खूबसूरत बना दिया। तलबा इस तकरीब में बहुत खुश दिखाई दिए, उनका कहना था कि ये एक मस्बत कदम है, उन्हें मौका मिलता है कि वो पढ़ाई के अलावा एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो सके और ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। बहुत इंजॉय किया, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को स्टडी के अलावा जो है वो थोड़ी रिलैक्सेशन भी मिल जाए। पढ़ाई के साथ साथ जो है वो ये इवेंट्स जो होते हैं वो थोड़ी सी जो है वो पढ़ाई से टाइम निकाल के बच्चों को मौका देते हैं कि वो इकट्ठे हों, एक साथ इंजॉय करें थोड़ा सा। डिपार्टमेंटल लेवल के अलावा पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसमें हर डिपार्टमेंट के बच्चे आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते। कैमरामैन उमर फारूक के साथ आतिका अरशद, यूईटी न्यूज़ लाहौर।